Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the direct tax, some of the important definitions we are going to see, because if you see the assessment year 2020 and 2021, there are a lot of changes which have been made in the recent rules. So we are going to see about all those points, but first and the foremost important point is, before studying any kind of practical part, some of the important theoretical base which we need to build up. So सारे के सारे जो definitions है वो आज हम इस video में पढ़ने वाले है, because ये जो video है इसके अगर definitions आपने ध्यान से समझ लिए तो आगे के income tax में जो भी direct taxes के points है उसमें आपको कोई भी problems face नहीं होगा. So by not wasting much more time, let us start today's session. We are going to see about the important basic concepts of tax first. First of all, we can check basic concepts of tax. में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है income. Because अगर हम ध्यान से देखें तो income एक ऐसा point है जिसके ऊपर ही हमें tax भरना पड़ेगा. जो भी इंसान इनकम अर्न्ड करेगा उसके ऊपर वो इनकम टैक्स भरेगा. बट व्हाट इज द बेसिक पॉइंट, दैट सारे इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है. तो वो भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कौन से इनकम के ऊपर टैक्स है और कौन से इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है. देर आर सर्टन स्लैब्स प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, और एक लिमिट डिसाइड किया गया है. वो लिमिट के ऊपर अगर हमारा इनकम जाएगा तो हमको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा. सो देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच कीप ऑन चेंजिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम का मतलब समझना. इनकम, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ब्रॉडली डिस्क्राइब किया गया है. और ये इनकम के बेसिस पे अगर हम देखें तो इनकम टैक्स एक्ट इवन टेक कंसिडरेशन ऑफ इनकम विच हैज नॉट अराइजन रेगुलरली और पीरियोडिकली. तो ऐसे इनकम के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है जिसके बेसिस पे वो इनकम रेगुलर बेस पे अर्न्ड नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अगर लॉटरी का टिकट लिया तो लॉटरी के टिकट के ऊपर मुझे लॉटरी प्राइज मिला, तो जितना भी मुझे लॉटरी प्राइज मिलेगा वो लॉटरी तो मैं हर बार नहीं जीतूंगा, कभी कभी जैसे लक फैक्टर है उस बेसिस पे मैं लॉटरी जीतूंगा. सो गवर्नमेंट हैज सेज दैट, गवर्नमेंट बेसिकली सेइंग दैट वॉट एवर इज योर कैजुअल इनकम, जो भी आपके कैजुअल इनकम्स होंगे उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा. अगर हम देखें यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स है, विनिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रियलिटी शोज है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस की बात कर सकते हम. ये सारे पॉइंट्स के ऊपर टैक्स भरना कंपल्सरी हो जाता है और इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस पे जो भी आपके कैजुअल इनकम है उसके ऊपर 30% का टैक्स एप्लीकेबल डायरेक्टली होगा. जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम. सो कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम जो है उसमें जितना भी प्राइज मनी मिलता है उसमें से 30% प्राइज मनी जो बेसिस पे टैक्स कट जाता है. सो ये सारे पॉइंट्स है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस हो, ऑल दिस पॉइंट्स आर बीन कवर्ड. सो इनकम टैक्स एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है इनकम का. तो इनकम क्या है, तो ऐसे पॉइंट जो हम रेगुलर बेस पे अर्न करते हैं वो तो इनकम है ही, लेकिन ऐसे पॉइंट जो हम रेगुलर बेस पे अर्न नहीं करते हैं, रेगुलर या पीरियोडिकल बेस पे अर्न नहीं करते हैं, उसको भी इनकम टैक्स एक्ट में कवर किया गया है. आगे बढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सन का डेफिनेशन, बिकॉज हमने कल के सेशन में देखा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढने के लिए पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है. तो आपको सेक्शन याद रखना है, पर्सन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 231 के बेसिस पे बताया गया है. इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर. इसके ऊपर मैं आगे बात करता हूं कि एग्जैक्टली जो प्रीवियस ईयर है आपका वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे इनकम किस बेसिस पे डिवाइड होगा, पर्सन कैसे होंगे. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. सो पर्सन कौन है, पर्सन काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. अगर हम ध्यान से देखें तो पर्सन में सबसे पहला पॉइंट आता है पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, मतलब वी आर दी इंडिविजुअल्स, तो हम इंडिविजुअल है. सो इंडिविजुअल्स भी पर्सन में इंक्लूड होंगे. HUF जो है हमने पढ़ा था चैप्टर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो HUF इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस चैप्टर कॉल्ड एज
पर्सन, सो पर्सन के डेफिनेशन में इंडिविजुअल भी आएगा, पर्सन के डेफिनेशन में HUF भी आएगा, पर्सन के डेफिनेशन में कंपनी भी आएगा. एज यू आर अवेयर अबाउट, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. सो कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन. सो कंपनी के नॉट से दैट आई एम नॉट अ पर्सन. सो हमने तीन पॉइंट्स पढ़े, इंडिविजुअल इज अ पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ पर्सन, कंपनी इज अ पर्सन, फर्म इज अ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म हो वो भी पर्सन के डेफिनेशन में है. मतलब जो भी पर्सन के डेफिनेशन में होगा उसको टैक्स भरना जरूरी हो जाएगा. नेक्स्ट इज एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे AOP बोल सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है. तो चार पांच लोग मिलके एक फर्म चला रहे हैं या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, उनको भी अगर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है या ना किया होगा तो भी उनको पर्सन के डेफिनेशन में कवर किया गया है. सो फिफ्थ पॉइंट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट इज एनी लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी में हम म्यूनसिपल अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं, सारी चीजें इसमें कवर होती है. तो दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज पर्सन, तो उनको भी पर्सन में लिया गया है. नेक्स्ट इज एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रिसीडिंग सब क्लॉसेस. मतलब ऐसे पॉइंट्स में जो ये फर्स्ट नंबर से लेके सिक्स नंबर तक जो कवर नहीं है, फिर भी वो इनकम अर्न करता होगा तो उसको भी पर्सन के डेफिनेशन में डाला गया है. सो पर्सन अगर हम देखें तो पर्सन का डेफिनेशन काफी ब्रॉड बेसिस पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया गया है. एंड पर्सन इज एज पर सेक्शन 231. सो पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, एन HUF, अ कंपनी, अ फर्म, AOP और BOI, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अ लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ दी सब क्लॉसेस. तो ये सारे पॉइंट्स डेफिनेशन पर्सन में कवर होंगे. सो अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पर्सन यू कैन नॉट गो फर्दर. बिकॉज इफ यू हैव सीन, हमने कल भी डिस्कस किया था, पर्सन इज डिवाइडेड इंटू टू पॉइंट, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. फर्दर रेसिडेंट इज डिवाइडेड इंटू टू पॉइंट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज असेसमेंट ईयर. अभी असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको इसका सिंपल मतलब बताता हूँ. असेसमेंट ईयर मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर. हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं, हम अकाउंट्स में इसको फाइनेंशियल ईयर मानते हैं. फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च. तो सिमिलरली जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वही आपका असेसमेंट ईयर होगा. अगर हम इस ईयर की बात करें तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो क्या है, 2020, 2021. और इनकम टैक्स किस बेसिस पे भरना पड़ता है, इनकम, देखो अभी असेसमेंट ईयर 20 और 21 में मैं अगर इनकम टैक्स भरूंगा तो वो मैं हमारे प्रीवियस ईयर में जो पैसे कमाए हैं 1920. तो इनकम टैक्स में दो ईयर्स आपको ध्यान रखने हैं, वन इज असेसमेंट ईयर एंड अनदर इज प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर इज द ईयर प्रायर टू असेसमेंट ईयर. और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च. तो इस साल जो भी मैं पैसे कमाऊंगा उसका टैक्स मैं अगले साल भरूंगा. लास्ट ईयर जो भी मैंने इनकम कमाया उसका टैक्स मैं इस साल भर रहा हूं. तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट वाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स एज कंसर्न. सो हमने यहाँ पे देखा असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 29 में है. सो इसके पहले हमने पढ़ा पर्सन, पर्सन का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 231 में है. सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं प्रीवियस ईयर. काफी लंबा छोटा डेफिनेशन है लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर के बारे में अभी आपको बताया. प्रीवियस ईयर एक ऐसा ईयर है जो आपके असेसमेंट ईयर का पहले वाला ईयर है. अगर हम असेसमेंट ईयर 2021 की बात करें, बिकॉज यही हमारा अभी का असेसमेंट ईयर है. सो इफ यू सी द असेसमेंट ईयर 2021, अवर प्रीवियस ईयर विल बी 2019-20. अगर हम अगले साल की बात करें तो ये साल हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा. तो प्रीवियस ईयर कौन से सेक्शन में कवर है, प्रीवियस ईयर इज कवर अंडर सेक्शन 3. तो यू शुड रिमेंबर सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर कवर है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. एंड प्रीवियस ईयर इज नथिंग बट द सिंपल, प्रीवियस ईयर इज द ईयर विच इज प्रायर टू असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच एनी इनकम इज अर्न बाय एन इंडिविजुअल. तो जितना भी पैसा मैं प्रीवियस ईयर में कमाऊंगा उसका मुझे टैक्स अगले असेसमेंट ईयर में भरना
पड़ेगा. तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रीवियस ईयर. अगले पॉइंट में जाते हैं असेसी, काफी इंपॉर्टेंट. देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं हम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सन, देन हमने पढ़ा दी असेसमेंट ईयर, देन हमने पढ़ा प्रीवियस ईयर, देन अभी हम पढ़ेंगे असेसी. असेसी कौन है? देखो असेसी एक ऐसा इंडिविजुअल है या असेसी एक ऐसा पर्सन है, काफी इंपॉर्टेंट है. अभी मैंने आपको पर्सन बता दिया है. पर्सन बोला तो मैं जब भी पर्सन का नाम लूंगा तब वो लंबा चौड़ा लिस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, काफी सारे पॉइंट्स हमने अभी, कंपनी, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं. तो पर्सन मतलब सारी चीजें उसमें कवर हो जाएगी. तो असेसी एक ऐसा पर्सन है जिसने कुछ पैसे कमाए हैं और जिसको कुछ टैक्स भरना है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. समझो मैंने लास्ट ईयर पैसे कमाए और इनकम टैक्स के स्लैब के ऊपर मैंने अर्निंग किया है. अभी मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, तो मैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला हूं तो मैं कौन बनूंगा? आई विल बी द असेसी. मैं जिस साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं वो होता है असेसमेंट ईयर, और मैं जिस साल में पैसे कमा रहा हूं वो होता है प्रीवियस ईयर. तो दैट इज द सिंपल पॉइंट. सो असेसी मतलब एक पर्सन है. यहाँ का डेफिनेशन देखते हैं. एज पर सेक्शन 27, असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द एक्ट. सिंपल मीनिंग है असेसी कौन है. असेसी एक पर्सन है जो टैक्स पेमेंट करने वाला है. सो ऑल दिस पॉइंट्स आर बीन कवर्ड अंडर द असेसी डेफिनेशन. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे. ये इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, इतने डेफिनेशंस अगर आप पढ़ोगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. सो वी हैव लर्न्ड हु इज अ पर्सन, वी हैव लर्न्ड अबाउट असेसमेंट ईयर, वी हैव लर्न्ड अबाउट द प्रीवियस ईयर, एंड वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट दी असेसी. नाउ देर आर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम. मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि हेड्स ऑफ इनकम काफी इंपॉर्टेंट है. हेड्स ऑफ इनकम का मतलब होता है किस तरीके से, ऐसे कौन से सोर्सेस है जहां से हम इनकम को अर्न कर सकते हैं. सो वी विल बी आइडेंटिफाइंग डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम या डिफरेंट सोर्सेस फ्रॉम वेयर अ पर्सन कैन अर्न इनकम, अर्न एनी इनकम. सो दैट इज बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 14. तो ये सारी चीजें सेक्शन 14 के अंदर कवर ही की गई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में. एंड एक एक सोर्स पढ़ेंगे. टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है. 5 हेड्स को आप बाय हेड करके रखना, बिकॉज 5 हेड्स ही आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जो डायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है उसका सिलेबस है. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज. तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम. फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकेंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम वी आर हैविंग? 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज पीजीबीपी. पीजीबीपी याद रखना, पीजीबीपी का मतलब होता है इनकम एंड गेन्स फ्रॉम प्रॉफिट रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्रोफेशन. पीजीबीपी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, दैट इज पीजीबीपी. नेक्स्ट इज कैपिटल गेन्स. तो कैपिटल गेन वी आर गोइंग टू लर्न लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ऐसे पॉइंट जो ऊपर के 4 हेड्स में नहीं आते हैं लेकिन इनकम है, तो ऐसे पॉइंट्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कवर किया गया है. दैट इज द बेसिक पार्ट, दैट इज द थियरी पार्ट रिलेटेड टू योर डायरेक्ट टैक्सेस कंसर्न. बिकॉज दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज अगले लेक्चर्स में मैं नाम लूंगा असेसी कौन है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है. तो उस बेसिस पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए वीडियो को मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बनाया है, सो दैट हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम शुरू करेंगे तब उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना हो. तो दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको फिर से करता हूँ. नंबर 1 हमने आज पढ़ा पर्सन के बारे में, नंबर 2 हमने पढ़ा असेसमेंट ईयर के बारे में, नंबर 3 हमने पढ़ा प्रीवियस ईयर के बारे में, नंबर 4 हमने पढ़ा असेसी के बारे में, एंड नंबर 5 वी हैव लर्न टूडे हेड्स ऑफ इनकम विच इज कवर्ड एज पर सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. एंड हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो. थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने डिस्कस किया है. अगले लेक्चर में हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम के साथ अपना सिलेबस को शुरू करेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो
लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दोज हु आर ऑलरेडी द सब्सक्राइबर्स. वी हैव क्रॉस 10K नाउ एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यूर सपोर्ट. आई हैव अचीव 10K. सो ऐसे ही मैं वीडियोज को इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा, नए नए कंटेंट लाऊंगा, सो दैट आपको सिंपल तरीके से इस वीडियो के बेसिस पे आपके एजुकेशन में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे तरफ से हो पाए. थैंक यू वेरी मच. टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.